आवर लेक्चर नंबर 28 फॉर द वन क्लास इंग्लिश। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा सा नाउन के बारे में। अ नाउन इज़ अ पर्सन प्लेस थिंग, ठीक है। नाउन की जो एक बेसिक डेफिनेशन है वो है पर्सन प्लेस और थिंग, यानी कि एक आदमी, ठीक है, का नाम, जगह का नाम और किसी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। अब नाउन इज़ अ पर्सन प्लेस थिंग, ठीक है। हम नाउन्स की आगे से जो टाइप्स हमने पढ़ी थी ना, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, वो नाउन के आगे से टाइप्स थी, ठीक है। लेकिन जो बेसिक नाउन की डेफिनेशन है वो ये है कि अ नाउन इज़ अ पर्सन प्लेस और थिंग, किसी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम और किसी चीज़ का नाम, ये होता है नाउन। इसके लिए अ नाउन इज़ अ पर्सन, पर्सन में आप देखें हमारे पास किसी का नाम आ सकता है, मैन एंड चाइल्ड, प्रेजिडेंट या कुछ भी, ठीक है। ये पर्सन में आप किसी का नाम भी यूज़ कर सकते हैं और उसकी और हम उसकी क्या कहते हैं उसकी सीट को भी यूज़, लाइक प्रेजिडेंट इज़ अ सीट, ठीक है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है प्लेस, प्लेस में आप देखें आप किसी भी जगह का, स्पेस, किचन, यूरोप, रेस्टोरेंट एंड, ठीक है, सिटी, किसी भी सिटी का ना भी नाम हो तो भी जो सा ना खाली सिटी भी होगा तो वो भी नाउन नहीं आएगा। उसके बाद है थिंग, थिंग में आप किसी भी चीज़, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, कलर्स, कीबोर्ड, ये सब कुछ नाउन में आएंगे, ठीक है।